तो आइए दोस्तों, हम लोग ये प्योर लुबा घड़ी का कंप्लीट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस मशीन का, ये अभी तक सही है। अभी इसको हम डायल लगाएंगे, ये रहा इसका डायल। अभी इसको हम डायल लगा देते हैं इस तरह। इसके ऊपर रखिए, इसके चार पैर हैं, इसके चार पैर को सही ढंग से फिट कर दीजिए, चार जगह से बिठाइए, यूँ आवाज़ आएगा इसका। और इसको सही ढंग से ज़रा साफ कर लीजिए एक अच्छे कपड़े से। अभी इसके यहाँ सबसे पहले हमको एक इसका अलार्म सेटिंग हैंड बिठाना है। अलार्म सेटिंग हैंड बिठा दिए हैं। अभी इसके बाद हमको इसका जो है टाइम सेटिंग नट बिठाने का है। और इसको ये खोल देते हैं पहला, हाथ को घूमने के लिए जगह कम पड़ रहा है। इसको फिट करते हैं, इसको पीछे की तरफ घुमाते हैं उल्टा उल्टा दिशा से। ये जब तक घुमाएंगे तब तक ये काटा जो है हमारे यहाँ पसंद की जगह यानी 6 बजे के वक्त तक आए नहीं, जब तक घुमाने का, या 6, 3, 9 के हिसाब से इसको बिठाना है, ताकि हमको 90-180 डिग्री का करेक्ट अंदाज हो जाएगा। अभी ये देखिए, ये 6 के ऊपर है। अभी इसके ऊपर 6 बजे का ये काटा बिठाएंगे इस तरह। मगर इसको इस तरह की प्लायर से बिठाइए, सही बैठ जाएगा। देखिए 6 बजे पे है। और दूसरा काटा निकालिए, इसको 12 पे लगाइए इस तरह, 12 की तरह, क्योंकि 6 बज रहा है तो एग्जैक्ट 12 बजना ये ज़रूरी है। इसके ऊपर रखिए और इसको इससे हल्का सा दबा के बिठाइए। देखिए वो हिल रहा नहीं, हाथ से उंगली से ढकल के। अभी ये 6 बज चुका है। अभी ये देखेंगे, ये 8 बजे का ये रखे हैं। अभी 8 बजे इसका अलार्म बजता या नहीं बजता हम वो देखेंगे। ये देखिए 8 बजे अलार्म बज रहा है, इसको बंद करते हैं। यानी अभी ये जो है हमारा सेटिंग हो गया। अभी क्या करना है, अभी इसको इसका जो लगा हुआ चाबी है वो निकाल लीजिए। इसको ये भी चाबी निकाल लीजिए, ये भी निकाल लीजिए। अभी इसको हमको क्या करना है, इसके केस में बिठाना है। इसका केस सब क्लीन करके रखा हुआ है, इसमें अब हम इसको बिठाएंगे, ठीक है। इसको अभी हम बिठाएंगे इसमें। इसका एक बीड यहाँ कहीं है, बीड देखते हैं कहाँ चला गया। इसका बीड यहाँ पे है, इसका बीड इसमें लगाएंगे। बीड के बाद अभी हम इसका जो है ये इसमें लगाएंगे, इसको बिठाएंगे। यही देखना है कि सही ढंग से बैठ रहा है या नहीं। बीड में सही बैठ गया है। इसको बंद करते हैं। अभी इसको ये चाबी ये लगा देते हैं और इसका चाबी भी इसमें लगा देते हैं, क्योंकि फेयर लुबा घड़ी को हमेशा ये पहला फिट होके बाद में केस में जाएगा। इसके ऊपर ये फिट करते हैं, उसके बाद में ये आवर हैंड सेटिंग का ये बिठाएंगे। अभी इसका ये है क्लीन किया हुआ केस यहाँ पे है। अभी इसमें इसको हम डाल देंगे इस तरह, डाल के उसको बिठाएंगे। इसको ज़रा इस तरह बिठाना पड़ेगा, इसको ज़रा निकालना पड़ेगा, सही बैठा नहीं है।
इसमें कुछ गड़बड़ नज़र आ रहा है, इसका रिंग इसमें डालना है। इसके रिंग इसमें डाल के इसके ऊपर ये बिठाना है। ये रहा इसका, इस तरह ये होता है, आप देख सकते हैं। ये बिठाया है, अभी इससे पहले हम ये इसके नीचे बाजू में एक स्क्रू लगाना है, ये लगा देते हैं। पहला स्क्रू लगा देते हैं, उसको हम स्क्रू ड्राइवर से कस लेते हैं। ये रहा स्क्रू ड्राइवर, ये कस दिए। अभी हम इसको इस तरह ऊपर से पकड़ते हैं, इसका एक नट है यहाँ पे, ये है इसका नट, अलार्म साइड का, अलार्म सेटिंग का। इसको इसमें जगह में बिठाते हैं, इसको हम स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए फिट करते हैं। इसको टाइट कीजिए, ये हो गया इसका टाइट। अभी आपको ये ऊपर से ये बटन बिठाना है, ये यूं ऊपर से ही बैठता है, ये बैठ गया। अभी देखिए ये अलार्म बज रहा है 8 बजे, अभी टाइम हो रहा है 8:34 हो रहा है, 34 मिनट्स, 8:34 हो रहा है। अभी आप ये देख सकते हैं ये घड़ी फिट हो गया है, यानी इतना आसान काम है। आपको इस तरह कंप्लीट करके हम इसको जिस पार्टी का है उसको दे सकते हैं, और एक दिन इसका ट्रायल लेना ज़रूरी है। ट्रायल लेके टाइमिंग चेक करके फिर हम पार्टी को देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया है, और आप इसके लिए अपना लाइक बटन दबाएं और बेल आइकॉन दबाएं, और आपके कुछ कमेंट्स हो तो उसको मुझे भेजें, जिसका उत्तर मैं दूंगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।